Assalamu alaikum students, I am your maths teacher. Today we will start a new chapter. The name of the chapter is ratio. It is on page number 20. So you have to make a title page of ratio on next page, and then we will start the exercises which are given on page number 20. All of you open page number 20. The exercise 1 of page number 20 is: express these ratios in the simplest form. What is ratio? Ratio is actually the relationship between two and more than two quantities. दो या दो से ज़्यादा quantities के दरमियान जो relationship है वो ratio कहलाता है. एक quantity का बढ़ने की तो उसी हिसाब से दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, और अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो उसी हिसाब से दूसरी क्वांटिटी कम होगी. दोनों क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए इसमें बीच में दो डॉट लगाए जाते हैं ऊपर नीचे, डेट इज कॉल्ड इस टू. हम कैसे रीड करेंगे? 4:12. 4 है फर्स्ट क्वांटिटी और इस टू बीच में आएगा, और 12 सेकेंड क्वांटिटी. इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप हमें बताना है. हमने बताना है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. इसकी एग्जांपल ऐसी है, जैसे अगर हम सपोज सीमेंट कोई बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें सीमेंट और सैंड को किस रेशियो से मिक्स करना हो. फॉर इंस्टेंस, अगर हमें 1 बैग ऑफ सीमेंट लेना हो मिक्सर बनाने के लिए और 2 बैग्स ऑफ सैंड्स लेना हो, सैंड लेना हो, तो डेट इज़ द रेशियो बिटवीन सीमेंट एंड सैंड, डेट इज़ 1:2. अगर हमें हमें ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो हम जितने हिसाब से सीमेंट के बैग्स को बढ़ाएंगे, अगर हम सपोज 5 सीमेंट के बैग्स ले रहे हैं तो अब हमें सैंड के बैग्स कितने लेने होंगे? 2×5, डेट इज़ 10 बैग्स. तो एक सीमेंट का 1 बैग और 2 बैग्स ऑफ सैंड्स, ये रिलेशन है बिटवीन फॉर मेकिंग द मिक्सचर. 1:2 का रिलेशनशिप है. हमें नंबर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में 4:12. हमें इसका मालूम करना है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसका बेसिक इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या था. सो वी विल डिवाइड बोथ द नंबर्स विद द सेम टेबल. 2 से भी डिवाइड हो रहा है ये, 4 से भी डिवाइड हो रहा है. हम चाहें तो 2 से डिवाइड करें, इसमें 2 स्टेप में आंसर आएगा. अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा. 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12. 1:3 इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस 4:12. ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसके आगे इस फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता. डेट इज़ द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24:14. दोनों इवन नंबर है, दे बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 2. 2 × 12 = 24 एंड 2 × 7 = 14. 12 और 7 फर्दर किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा. डेट इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 26:278. बोथ आर इवन नंबर, डेट कैन बी डिवाइडेड बाय 2. 2 × 13 = 26 एंड 2 × 39 = 78. 13 और 39 दोनों नंबर आते हैं 13 के टेबल में. 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39. 1:3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147:256. दे बोथ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 7. 7 × 21 = 147 एंड 7 × 8 = 56. दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, सो इट इज़ द आंसर. द नेक्स्ट इज 160:256. बोथ आर इवन नंबर, डेट कैन बी डिवाइडेड बाई 2. 2 × 8 = 160 एंड 2 × 28 = 56. अगेन इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 2. 2 × 40 = 80 एंड 2 × 14 = 28. 40 and 14 is they both are also even number, so they can be divided by 2. 2 × 20 = 40 and 2 × 7 = 14. 20 and 7 cannot be divided by any one number. So 20:7 is the answer. The next question is 72:248. Both are even number, that can be divided by 2. 2 × 36 = 72 and 2 × 24 = 48. Both can be divided by 2 again. 2 × 18 = 36 and 2 × 12 = 24.
ये बोथ आर इवन नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड बाई टू, टू नाइन ज़ा 18 एंड टू 12, टू सिक्स ज़ा 12, नाइन एंड सिक्स कैन बी डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री थ्री ज़ा 9 एंड थ्री टू ज़ा 6, थ्री इज टू 6 इज द आंसर. नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर टू. एक्सरसाइज नंबर टू इज राइट ईच रेशो एज अ फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म. अब अगेन हमें लोवेस्ट टर्म करना है, अगेन हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन रेशो के फॉर्म में नहीं करना, बल्कि किस फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है. पहले हमें रेशो को लिखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में और फिर उसको लोवेस्ट टर्म में या सिंप्लीफाई करना है. फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने का मेथड यह है कि दो नंबर जिनके दरमियान रिलेशनशिप शो हो रहा है, टू इज टू थ्री फॉर इंस्टेंस आर द नंबर्स, जो पहला नंबर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर और जो दूसरा नंबर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर. तो रेशो को अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, टू अपॉन थ्री. टू पहला नंबर है और थ्री दूसरा नंबर है, पहला नंबर न्यूमरेटर होगा, दूसरा नंबर डिनोमिनेटर होगा. फ्रैक्शन में लिखने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको एक ही टेबल से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये आंसर हो जाएगा. द सेकेंड इज 12 इज़ टू 13. 12 पहला नंबर व न्यूमरेटर बन जाएगा, 13 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. 12 अपॉन 13, बोथ कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई वन एनी वन टेबल, सो इट इज़ द आंसर. द नेक्स्ट इज 2 इज़ टू 8. 2 न्यूमरेटर बन जाएगा, 8 डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो फ्रैक्शन होगा 2 अपॉन 8. 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8. अब न्यूमरेटर में रह गया 1 और डिनोमिनेटर में रह गया 4, 1 अपॉन 4 इज द आंसर. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट इज 9 इज़ टू 18. फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो 9 हो जाएगा न्यूमरेटर, 18 हो जाएगा डिनोमिनेटर. हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 थ्री ज़ा 9, 3 सिक्स ज़ा 18. 3 अपॉन 6 आ गया, अब 3 न्यूमरेटर में आ गया, 6 डिनोमिनेटर में हो गया, ये फर्दर डिवाइड हो सकता है 3 से, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6 और आंसर आएगा 1 अपॉन 2. हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, तो भी आंसर 1 अपॉन 2 आता. इट्स अप टू यू. द नेक्स्ट इज 8 इज़ टू 40. 8 और 40 है, 8 के टेबल से करेंगे हम, 8 वन ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, 1 अपॉन 5 इज़ द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 इज़ टू 15. फ्रैक्शन इसका बनेगा 3 अपॉन 15. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15, द आंसर इज 1 अपॉन 5. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसमें भी कन्वर्ट किया था, बट इस एक्सरसाइज 2 में हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है. पहले फ्रैक्शन में इसको लिखा है रेशियो को और फिर सिंप्लीफाई किया है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रेशियो को रेशियो ही के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है. यू हैव टू डू बोथ द एक्सरसाइजेस इन योर अरिथमेटिक कॉपी. थैंक यू.